ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ, সব সময় থাকুন খবরে। নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ, আপনাদের সঙ্গে আমি অনুষ্কা। তেলের দাম এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে লখনউয়ে বিক্ষোভ, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বাইরে সমাজবাদী পার্টির বিক্ষোভ। লাঠি চালিয়ে এরপর বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। রণবীর আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। রণবীর, সমাজবাদী পার্টি কে তরফ সে কি আন্দোলন, আপ ক্যা হাল হ্যায়? देखिए, 20 दिनों से जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और डीजल की कीमत पेट्रोल से ऊपर चली गई है, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने विधानसभा पे इकट्ठा हुई थी। कई सारे कार्यकर्ता आए, उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना की। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, महंगाई के मुद्दे पर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पहले उन्हें समझा बुझा के हटाने की कोशिश की। जब सपा के कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं थे तो पुलिस को हल्की लाठीचार्ज करनी पड़ी और उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। ये सारा प्रदर्शन बिना अनुमति के हो रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरे राज्य में 144 लगी है और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन या गैदरिंग की परमिशन नहीं है। तो ऐसे में जिस तरह का महंगाई का मुद्दा है, समाजवादी पार्टी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती, राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, और यही वजह है कि विधानसभा के सामने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इससे पहले यूपी के कई जिलों में छोटे प्रदर्शन हुए थे, जहां पे कहीं बाइक कूड़े में रखी गई थी तो कहीं बैलगाड़ी पे लोग चल रहे थे, लेकिन आज विधानसभा के सामने जब ये बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है, विधानसभा के सामने से सबको हटा लिया गया। जी शुक्रिया रणबीर।